अगर आपको स्लेबटी हैं इन्फ्लुएंसर हैं पब्लिक फिगर हैं तो आपको अपने फेसबुक प्रोफाइल या फेसबुक पेज को लाजमी वेरीफाई करके ब्लू बैच करना चाहिए किस तरह से हमने अपने पेज या प्रोफाइल को वेरीफाई करना है सिंपल आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में तो हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट वालेकुम मेरा नाम है आदिशैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आपने देखा होगा कि अक्सर फेसबुक प्रोफाइल पे या पेजेस पे आपको एक ब्लू बैच नज़र आता है वो पेजेस या प्रोफाइल जो हैं वो वेरीफाइड होते हैं तो अगर आप कोई स्लेब्टी वगैरह हैं या पब्लिक फिगर हैं तो आप भी अपने पेज को या प्रोफाइल को वेरीफाई कर सकते हैं किस तरह से करना है ये सारा कुछ सीखेंगे आज की इस वीडियो में इसके लिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें हम अपनी फेसबुक को ओपन कर लेते हैं फेसबुक ओपन करने के बाद आपको ऊपर टॉप पे राइट साइड पर तीन लाइनें नज़र आ रही हैं तो आपने इस पर टैप करना है यहाँ पर हमको नीचे एक ऑप्शन नज़र आता है हेल्प एंड सपोर्ट तो हमने इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे डायरेक्टली आपको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा वेरिफिकेशन का तो आपने हेल्प सेंटर पे टैप करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है आपने यहाँ पे सिंपली लिखना है वेरिफिकेशन। जैसे ही हम यहाँ पे लिखते हैं वेरिफिकेशन तो नीचे हमें नज़र आ रहा है वेरीफाई अकाउंट विद ब्लू बैच तो इस पर हम टैप कर लेते हैं सबसे टॉप पे हमें एक ऑप्शन नज़र आ रहा है रिक्वेस्ट वेरीफाइड बैच ऑन फेसबुक तो हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमने अपने पेज या प्रोफाइल को यहाँ पे वेरीफाई करना है अभी हमारे सामने एक पेज ओपन हुआ है तो यहाँ पे आपको ये कुछ क्राइटेरिया बता रहा है एलिजिबिलिटी बता रहा है तो आप अगर चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा फिल इन दिस फॉर्म तो आपने इस पे टैप कर लेना है यहाँ पे एक फॉर्म ओपन होगा जिसको आपने फिल करना है ऊपर आप देख सकते हैं कि आप पेज को वेरीफाई करना चाहते हैं या प्रोफाइल को तो यहाँ पे मैं प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड नीचे हमने यहाँ पे वेरिफिकेशन हम किसके थ्रू करना चाहते हैं यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन नजर आ रहे हैं आप पासपोर्ट के थ्रू कर सकते हैं नेशनल आइडेंटिटी कार्ड टेक्स्ट फिलिंग रिसेंट यूटिलिटी बिल एंड लास्ट पे ऑप्शन जो है आर्टिकल ये इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं इसका मुझे नहीं पता तो अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट में बता सकता है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करने वाला हूँ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा और जो भी फाइल मेरे नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की है मैं उसको यहाँ पर चूज़ करूँगा और उसको यहाँ पर अपलोड कर दूँगा तो हमने उसको यहाँ पर अपलोड कर लेना है इसके बाद हमने अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है जिस कैटेगरी के थ्रू हम अपना फेसबुक पेज या फेसबुक प्रोफाइल को वेरीफाई करना चाहते हैं जो भी हमारी कैटेगरी है फॉर एग्जाम्पल मैं एक यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाता हूँ तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा डिजिटल क्रिएटर ब्लॉगर तो मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा कंट्री हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है तो यहाँ पे मेरी कंट्री अगर पाकिस्तान है मैं तो यहाँ पे पाकिस्तान यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा ठीक है और नीचे आपको ऑडियंस के आपकी ऑडियंस किस तरह की है वो आपने यहाँ पे जो है लिख लेना है ये ऑप्शनल है आप चाहें तो लिख सकते हैं और चाहें तो नहीं भी लिख सकते आल्सो नोन एज ऑप्शनल अगर आपका कोई निक नेम है या आप जिस नेम से मशहूर हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये भी ऑप्शन है एंड नीचे आपने अगर आप जिस भी वजह से मशहूर हुए हैं या फेमस हुए हैं तो आपकी कोई ऐसी वीडियो है या आप किसी आर्टिकल में आए हैं या आपका कोई पेज है उसकी वजह से आप फेमस हुए हैं तो यहाँ पे आपने वो लिंक्स ड्रॉप कर देने हैं उन वीडियोस के या पेजेस के या आर्टिकल वगैरह के सारा फॉर्म फिल करने के बाद सिंपली आपको नीचे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है सेंड तो आपने इस पे टैब करना है तो अब आपकी रिक्वेस्ट जो है वो फेसबुक को चली जाएगी और नेक्स्ट 24 से 48 घंटे के अंदर अगर आप एलिजिबल हुए तो आपका पेज वेरीफाई हो जाए तो बहुत सिंपल आसान तरीका था अगर आप भी अपने फेसबुक पेज को वेरीफाई करना चाहते हैं तो इन तमाम स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और आप भी अपने पेज को वेरीफाई कर सकते हैं तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी तो अपने वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद